मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 28 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग के लिए 3 नवंबर की तारीख घोषित कर दी गई है। वहीं इन चुनाव के परिणाम 10 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग की बैठक में मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग के लिए 3 नवंबर की तारीख घोषित की गई है। वहीं उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने 16 अक्टूबर तक उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख घोषित की है। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया के नतीजे घोषित होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही कोरोना के चलते इस बार उपचुनाव में विशेष सावधानियां बरती जाएंगी। संक्रमण के इस दौर में उपचुनाव कैसे होंगे, इस पर चुनाव आयोग विशेष दिशा निर्देश देगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।